दोस्तों आज के टाइम में कोई भी न्यूज चैनल खोलते ही या कोई भी न्यूज़पेपर में हमेशा टॉप पर या साइड में लिखी हुई एक खबर मिलती है कि आज म्यांमार में सैनिकों ने इतने लोगों को मार दिया। आज का प्रोटेस्ट काफी बड़ा रहा, देश में इमरजेंसी लग गया, म्यांमार ने पूरी दुनिया से मदद मांगी एंड एक्सेट्रा। बट दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि म्यांमार में आर्मी के पास ऐसी कौन सी पावर आ गई है जिस कारण से वो देश की जनता को सरेआम मार रहा है, और क्या उनके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आर्मी किसी भी टाइम अपने देश की जनता को मार सकता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए म्यांमार के करंट इशू के बारे में जानने के लिए और अपने इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक वर्ड को समझ लेते हैं जो कि है सैनिक तख्ता पलट, क्योंकि पूरे वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सैनिक तख्ता पलट, जिसे इंग्लिश में मिलिट्री कू भी कहते हैं, सैनिक तख्ता पलट का मतलब होता है जब किसी भी देश की आर्मी के द्वारा उस देश के सरकार को हटाकर सारी पावर उस देश की आर्मी ले लेती है, तो उसे हम सैनिक तख्ता पलट या मिलिट्री कू कहते हैं। तो दोस्तों म्यांमार में भी अभी यही हो रहा है, म्यांमार की आर्मी ने वहाँ की सरकार को हटा के सारी पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो दोस्तों अब हम म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट के बारे में अच्छे से समझने के लिए टाइम को थोड़ा रिवर्स में करके म्यांमार के इतिहास में घुसते हैं। तो गाइस म्यांमार को भारत की आजादी के एक साल बाद यानी 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी मिली थी, और म्यांमार को अंग्रेजों से आजाद कराने में आंग सान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसी कारण से आंग सान को म्यांमार का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और म्यांमार की जनता के दिल में आंग सान के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। और 1948 के आजादी के बाद से देश में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चला, बट 1962 में सेना नेता विन ने आर्मी पावर से देश में सैनिक तख्ता पलट कर लिया। 1962 में मिलिट्री कू के बाद पूरे देश की सारी पावर म्यांमार के आर्मी के पास पहुंच गई, और साल 2010 तक देश में आर्मी का ही शासन चला। इसी बीच देश में बहुत सारे आंदोलन हुए और देश की जनता डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की वापसी चाहती थी। इसी कारण से देश में आर्मी ने 1988 में बहुत सारे आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया, और 1988 में आंदोलन का सपोर्ट करने और डेमोक्रेसी की मांग करने के लिए आंग सान सू ची मैदान में उतरी। आंग सान सू ची आंग सान की ही बेटी थी, और आंग सान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि आंग सान ने म्यांमार को आजाद कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आंग सान सू ची के मैदान में उतरने के एक साल बाद 1989 में प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे नेता को वहाँ की आर्मी ने जेल में डाल दिया, और लंबे संघर्ष के बाद 1990 में देश में चुनाव हुआ जिसमें आंग सान सू ची को बहुत ज्यादा वोट मिला, बट देश की सेना ने इसे नहीं माना और इस चुनाव को गलत साबित करके सारी पावर अपने पास ही रखा, और देश में सेना का ही शासन चलता रहा। और इसी बीच सू ची ने डेमोक्रेसी के लिए अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाती रही, और बहुत लंबे टाइम के बाद साल 2010 में देश में फिर से चुनाव हुए, बट इस चुनाव में आर्मी को सपोर्ट करने वाली पार्टी जीती। इसी कारण से देश की जनता ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जनता का मानना था कि हम आर्मी को सपोर्ट करने वाले पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते। और साल 2010 में चुनाव के जो नतीजे आए थे, लोगों ने उनका खुल के बहिष्कार किया, और देश में सेना ने सारी शक्ति अपने पास ही रखी, और इन आंदोलन के कारण से देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई, और लंबे समय तक देश में डेमोक्रेसी की मांग चलती रही। फिर साल 2012 में निष्पक्ष तरीके से म्यांमार में चुनाव हुआ, और भारी बहुमत से आंग सान सू ची की पार्टी को विजय घोषित किया गया, और देश का लीडर सू ची को बनाया गया, बट ज्यादातर इम्पोर्टेंट पावर को सेना ने अपने पास ही रखा, और सेना के लिए पॉलिटिक्स में कुछ परसेंट सीट को रिजर्व कर दिया गया, और सू ची को देश का लीडर तो बनाया गया बट इनडायरेक्टली देश को वहाँ की आर्मी ही कंट्रोल कर रही थी। बट डेमोक्रेसी के आने के बाद धीरे धीरे देश में सुधार हो रहा था, और सू ची को ये बात अच्छे से पता था कि अगर वो म्यांमार के मामले को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएगी या एकदम से सेना के सारे पावर छीन लिए जाएंगे, तो कुछ ही टाइम के अंदर में म्यांमार की आर्मी सू ची के सारे पावर छीन लेगी। इसीलिए देश में चेंजेस तो आ रहे थे बट उसकी स्पीड बहुत ही कम थी, और जब साल 2020 में म्यांमार में दोबारा चुनाव हुए तो फिर से पूरे देश की फेवरेट लीडर यानी सू ची को ही पूर्ण बहुमत मिला, बट देश की आर्मी का मानना था कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है और इस चुनाव में हेरफेर किया गया है।
बट चुनाव आयोग को कोई सबूत न मिलने के कारण से इस चुनाव को निष्पक्ष बताया गया और आर्मी को गलत साबित कर दिया गया। इसी कारण से देश की आर्मी को लगने लगा कि अब उनका वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा और धीरे धीरे देश में आंग सान सूची के सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं तथा देश में लोकतंत्र को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इन्हीं सबको देखते हुए सेना खुद को खतरे में जाते हुए देख रही थी। इसी कारण से 1 फरवरी 2020 को म्यांमार में आर्मी ने सैनिक तख्ता पलट करके देश के सारे पावर अपने हाथ में ले लिया और आंग सान सूची को फेक केस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सारी पावर लेकर देश में सेना ने इमरजेंसी लगा दिया, जिस कारण से सारे फैसले देश की सेना के पास है और बहुत सारे नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और इसी कारण से देश की जनता ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और ये प्रोटेस्ट हर बार से ज़्यादा पावरफुल निकला और देश में दोबारा से डेमोक्रेसी की मांग होने लगी। इसी कारण से इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए वहाँ की आर्मी ने जनता को सरेआम मारना शुरू कर दिया ताकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए। सो गाइस, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर म्यांमार में वहाँ की जनता के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है तो पूरी दुनिया चुप क्यों बैठी है, क्यों कोई भी देश म्यांमार की मदद नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपके पड़ोस में किसी दो पड़ोसी की लड़ाई होती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप उस लड़ाई में जाकर या तो उस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करोगे या नहीं तो किसी एक पड़ोसी का साथ दोगे। और जब किसी दो देश के बीच में लड़ाई होती है तो वहाँ पर भी कोई थर्ड या फोर्थ कंट्री उसमें इन्वॉल्व होता है और वो कोशिश करता है कि ये लड़ाई सॉल्व हो जाए या नहीं तो वो किसी एक कंट्री का साथ देता है। बट अगर इसी चीज़ को हम अपोजिट डायरेक्शन से देखें, यानी अगर वो लड़ाई किसी दो पड़ोसी में ना होकर वो लड़ाई किसी घर के आपस के दो लोगों में हो रही होगी तो बहुत ही कम चांस है कि आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व होना चाहोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि मैं किसी के घर के पर्सनल मैटर में घुसूं और बाद में मेरी बदनामी हो। एंड गाइस, म्यांमार की कंडीशन भी सेम है। म्यांमार की जो ये लड़ाई है वो उस देश के अंदर में लड़ाई हो रही है और ये म्यांमार का इंटरनल मामला है, इसलिए कोई भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट दुनिया भर के देशों के लोगों ने और इंटरनेट पर जब म्यांमार के लोगों की मदद के लिए आवाज़ उठ रही है तो बहुत सारे देशों के सरकार ने इस पर चिंता जताया है और मे बी कोई देश अपने पावर का यूज करके म्यांमार की आर्मी की तानाशाही को ख़त्म कर दे और वहाँ पर हमेशा के लिए डेमोक्रेसी ला दे। बट जैसे हालात म्यांमार की आज़ादी के कुछ साल के बाद से रहे हैं, लगातार म्यांमार की आर्मी अपने पावर का मिसयूज करते हुए आ रही है और पूरी दुनिया सिर्फ इसे देख ही रही है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो बहुत ही कम चांस है कि आज भी कोई देश इनकी मदद करेगा। बट फिर भी देखते हैं कि फ्यूचर में म्यांमार के साथ क्या होता है, कोई देश उसकी मदद करता है या नहीं करता है। एंड गाइस, कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा कि हम म्यांमार की जनता के लिए क्या कर सकते हैं और जो म्यांमार में अभी हो रहा है वो सही है या गलत है। कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी म्यांमार में चल रही इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा और मिलते कुछ टाइम बाद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।